श्रुति के सवाल। श्रुति अपने पिताजी के साथ में पटना में म्यूजियम देखने गई और वहाँ की एक मूर्ति पर उसकी नज़र टिक गई। उसने अपने पिताजी से पूछा कि यह किसकी मूर्ति है और इसे कब बनाया गया होगा। तो बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि मैं श्रुति के किस सवाल की बात कर रहा हूँ, श्रुति कौन है और पटना में म्यूजियम देखने क्यों गई। तो एक्चुअली मैं आज मैं जो चैप्टर डिस्कस करने जा रहा हूँ उसका नाम है संस्कृति और विज्ञान, और यह है चैप्टर नंबर 13। बिहार बोर्ड के जो बच्चे 6 क्लास से पढ़ाई कर रहे हैं, 6ठे क्लास की पढ़ाई कर रहे हैं, उनकी जो हिस्ट्री की किताब है अतीत से वर्तमान, उसके भाग एक का ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13, संस्कृति और विज्ञान, कल्चर एंड साइंस। तो ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आज हम लोग बहुत सारी जानकारी की बातें करेंगे जिससे आपको हिस्ट्री के बारे में जानकारी होगी, कल्चर के बारे में पता चलेगा, साइंस के साथ कल्चर का क्या रिलेशन है ये भी पता चलेगा, इसके साथ साथ में आपकी जनरल नॉलेज भी बढ़ेगी। तो भारत के इतिहास में 4वीं से 7वीं सदी के बीच में, 4th सेंचुरी से 7th सेंचुरी के बीच में, इस बीच का जो समय है ना, वो सांस्कृतिक और वैज्ञानिक प्रगति के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इन 400 वर्षों में समाज, धर्म, कला, साहित्य, विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में ऐसे कई सारे काम हुए जिसे आज भी याद रखा जाता है। अब जैसे पुराणों की बात है तो एक महाकाव्य काल है। काव्य समझते हो ना, कविता को हम काव्य कह सकते हैं। तो 4वीं सदी के प्रारंभ से 7वीं सदी के मध्य तक का समय, जिसमें रामायण, महाभारत, पुराणों एवं तमिल साहित्यों को अंतिम रूप से संकलित किया गया, मतलब ये साहित्य लोगों की बोली में इधर उधर जानकारी में अनऑर्गेनाइज्ड बिखरा पड़ा था, लेकिन इस पीरियड में इसे संकलित किया गया, कंपाइल किया गया, इकट्ठा किया गया। और इसी काल में अन्य लौकिक महाकाव्यों, गैर धार्मिक साहित्यों की भी रचना हुई, इसीलिए इस काल को महाकाव्य काल कहते हैं। और ये पीरियड क्या है इसका, 4th सेंचुरी से लेकर के 7th सेंचुरी, ठीक है। अच्छा, आप देखते हैं कि कला एवं साहित्य, आर्ट और लिटरेचर के फील्ड में इस समय में क्या हुआ। तो यह काल साहित्य रचना की दृष्टि से काफी समृद्ध रहा है। इस काल में, इस समय में कई धार्मिक और लौकिक साहित्यों की रचना हुई। इसमें पुस्तकों में स्त्रियों एवं पुरुषों की वीर गाथाओं तथा देवताओं से संबंधित कहानियों को बड़े ही स्वाभाविक तरीके से, बहुत ही नेचुरल तरीके से लिखा गया है। पुराणों की रचना, वो जो हम लोग कहते हैं ना कि हिंदू धर्म में बहुत सारे वेद हैं, पुराण हैं, तो वो जो पुराण थे, पुराणों की रचना इसी पीरियड में हुई। किस पीरियड में, 4th से लेकर के 7th सेंचुरी के बीच में। पुराणों से हमें धार्मिक सामाजिक कहानियों के अतिरिक्त राजवंशों की भी वंशावली मिलती है। हिंदू रीति रिवाज एवं कानूनों से संबंधित कई पुस्तकों की रचना इसी काल में हुई। यद्यपि रामायण और महाभारत की रचना कई सौ वर्ष में हुई, लेकिन इसे अंतिम रूप से पुराणों की तरह इसी समय में संकलित किया गया, जो समय था 4th से लेकर के 7th सेंचुरी का। कुमार संभवम में शिव पार्वती के प्रेम और प्रणय दृश्यों का वर्णन है। पार्वती ने शिव को पाने के लिए जो कठोर तपस्या की थी, उसका बड़ा ही रोचक और सजीव वर्णन इस किताब में किया गया है, जिसका नाम है कुमार संभवम। तो बच्चों, आप लोगों में से जो बच्चे कुछ ज़्यादा ही धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, या जो शिव जी के बारे में, शंकर भगवान के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, तो वो चाहें तो पुराण का अध्ययन कर सकते हैं। गुप्त काल में कई ऐसे दरबारी कवि थे जिनकी रचनाएं तो हमें प्राप्त नहीं होती हैं, लेकिन उनकी रचनाओं के अभिलेखीय प्रमाण मौजूद हैं कि उन्होंने चीजें लिखी थी। आप हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति के बारे में पिछले चैप्टर में मैंने बताया था, ये काव्य शैली में बिल्कुल वैसे ही थे जैसे कि कालिदास थे। इस काल के जो महानतम रचनाकार कालिदास हैं, जिन्होंने कविता एवं नाटक दोनों ही क्षेत्रों में कई पुस्तकों को लिखा,
तो कालिदास का पीरियड भी क्या था, 4 से लेकर के 7 सेंचुरी। कालिदास के नाटक सुखांत और प्रेम प्रधान है। सुखांत का मतलब क्या है, कॉमेडी इंड होना, और दुखांत किसे कहते हैं, ट्रेजेडी इंड होना। जैसे आप फिल्में देखते हो ना, तो फिल्मों के आखिर में अगर हीरो हीरोइन बिछड़ जाते हैं, दैट इज ट्रेजेडी इंड। और अगर हीरो हीरोइन एक हो जाते हैं, अपनी फैमिली शुरू कर पाते हैं, तो उसे हम कहते हैं कॉमेडी इंड होना। एक और बात यह है कि कालिदास की जो रचनाएं हैं वो प्रेम प्रधान हैं, रोमांटिसिज्म, रोमांटिक चीजें लिखी उन्होंने। इनकी रचनाओं में ऋतु संहार, मेघदूतम, कुमार संभवम और रघुवंशम है। कालिदास अपने नाटकों में भाषा का चुनाव पात्र की सामाजिक स्थिति के अनुसार करते थे। उच्च सामाजिक स्तर के पात्र संस्कृत में लिखे जाते थे, जबकि निम्न सामाजिक स्तर के पात्र एवं स्त्रियां प्रायः प्राकृत अथवा अन्य स्थानीय भाषाओं का प्रयोग करती थी। तो ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है और आपको इसे नोट कर लेना चाहिए। इसमें क्या लिखा है कि उच्च सामाजिक स्तर के पात्र संस्कृत में बोलते थे, जबकि निम्न सामाजिक स्तर के जो पात्र होते थे, स्त्रियां होती थीं, जिनके बारे में यह है कि वो कम शिक्षित होते थे, वे प्राकृत या अन्य स्थानीय भाषा का प्रयोग करते थे। कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम साहित्य और नाट्य कला दोनों ही दृष्टि से बेजोड़ है। बेजोड़ का मतलब अनमैस्ड। मालविकाग्नि मित्रम नामक नाटक जो है वो शुंग वंश के इतिहास पर आधारित है। अब इसी काल में नाटकों में शूद्रक, वो भी एक बहुत बड़े साहित्यकार रहे हैं, उनकी रचना है मृच्छकटिकम। अन्य काव्यों की तरह नहीं है, क्योंकि इसमें राजकीय जीवन एवं महाकाव्यों के प्रसंगों की बात नहीं की गई है। इसका जो नायक है वो दरिद्र ब्राह्मण सार्थ द्वाह चारुदत्त है, और नायिका वसंत सेना नाम की एक गायिका है, एक्चुअली में जो वेश्या है, प्रोस्टिट्यूट है। ठीक है, अच्छा, तो अब इस नाटक के सभी पात्र अपने अपने क्षेत्र की स्थानीय भाषाएं बोलते हैं, जो वास्तविक जीवन के ज्यादा करीब दिखाई देता है। इस नाटक के सभी पात्रों की भाषा बड़ी सहज है, लेकिन उसमें भरपूर संवेदना, इमोशंस दिखाई देता है। इसमें समाज के सभी वर्गों, राजा, ब्राह्मण, जुआरी, व्यापारी, चोर, धूर्त, दास आदि का सहज चित्रण किया गया है। तो अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, अभी हम लोग बात कर रहे हैं शूद्रक के नाटक की, जिसका नाम था मृच्छकटिकम। तो विशाखादत्त ने मुद्रा राक्षस एवं देवी चंद्र गुप्तम नामक दो ऐतिहासिक नाटकों की रचना की। मुद्रा राक्षस में जहाँ चाणक्य की योजनाओं का वर्णन है, वहीं देवी चंद्र गुप्तम में शाकाधिपति एवं राम गुप्त का चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा वध एवं ध्रुव देवी के साथ विवाह का चित्रण किया गया है। तो इस प्रसंग को आप पिछले अध्याय में भी पढ़े हैं। अच्छा, स्वयं हर्षवर्धन भी उच्च कोटि का नाटककार था। हर्षवर्धन कौन थे, वो एक राजा थे, और इसने नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नामक 3 नाटकों की रचना की। यह संस्कृत के गद्य साहित्य का सर्वोत्तम उदाहरण है। चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक अमर सिंह ने अमरकोश, संस्कृत के शब्दकोश, संस्कृत की डिक्शनरी की रचना की। तो है ना इंटरेस्टिंग बात। वात्स्यायन का कामसूत्र भी इसी काल का प्रसिद्ध लौकिक ग्रंथ है। इसमें व्यावहारिक जीवन के सभी पक्षों का तार्किक विवेचन किया गया है। इसमें नागरिकों के लिए अच्छे व्यवहार, संगीत, नृत्य, गीत आदि की शिक्षा से संबंधित चर्चा है। इसमें संपन्न नागरिक के दैनिक जीवन का भी वर्णन किया गया है कि एक धनी आदमी को कैसे जीना चाहिए। इसी समय दक्षिण भारत में कई महाकाव्यों की भी रचनाएं हुई, जिसमें से संगम साहित्य के नाम से जाना जाता है। इन ग्रंथों की रचना तमिल भाषा में की गई। इलंगो नामक कवि ने सिलप्पदिकारम की रचना की। इसमें कोवलन नामक व्यापारी का उल्लेख है, जो अपनी पत्नी कन्नगी को छोड़ करके माधवी नाम की वेश्या से प्रेम करता है। राज जौहरी के द्वार चोरी का झूठा आरोप लगाने पर राजा के द्वारा उसे प्राण दंड दे दिया गया। इसकी पत्नी कन्नगी ने अन्याय के विरोध में मदुरा शहर को नाश कर डाला।
मणिमेखलई लगभग 400 वर्षों के बाद में तमिल भाषा में ही सत्यनार द्वारा लिखा गया। इसमें कोवलन और माधवी की बेटी की कहानी है। आम लोगों के द्वार भी कहानी, कविता, गीत एवं नाटक लिखे जाते थे। इनमें से कुछ शिक्षाप्रद कहानियों का संकलन जातक साहित्य एवं पंचतंत्र में संकलित है। जातक कथाएं स्तूपों की रेलिंगों एवं अजंता के चित्रों में दर्शाया गया। अच्छा, अब इस पीरियड में जो वास्तुकला और स्थापत्य कला की बात है, वास्तुकला का मतलब, स्थापत्य कला का मतलब है आर्किटेक्चर, सिविल इंजीनियरिंग, है ना। तो इस समय में साहित्य के साथ साथ वास्तुकला के क्षेत्र में भी कई उपलब्धियां हासिल की गई। इस समय के बनाए गए बौद्ध विहार एवं मठ आज भी विद्यमान हैं। हालांकि मंदिर निर्माण की प्रक्रिया इसी समय शुरू हुई थी, लेकिन मंदिरों के पर्याप्त अवशेष हमें नहीं मिलते हैं, क्योंकि बहुत साल पहले की बात है ना। आप सोचो, अभी से 1600 साल, 1700 साल पहले की बात। दक्षिण भारत में मठ मंदिरों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। मंदिर निर्माण की शुरुआत गर्भगृह से होती थी, जिसमें देवताओं की मूर्ति रखी जाती थी। गर्भगृह तक पहुंचने के लिए एक दालान होता था, जिसमें से एक सभा से होकर के गुजरना होता था। सभा भवन का द्वार देवड़ी में निकलता था। भवन के चारों ओर दीवार युक्त आंगन होता था, और इसी आंगन में आगे चल करके छोटे छोटे मंदिरों का निर्माण कर अन्य देवताओं की मूर्तियां स्थापित की जाने लगी। इस समय के अधिकांश मंदिरों में शिखर नहीं बनते थे, लेकिन शिखर निर्माण की शुरुआत इस समय में हो चुकी थी। मंदिर का निर्माण चबूतरे पर किया जाता था, जैसे एक छोटा सा प्लेटफॉर्म बना करके उस पर करते थे। और प्लेटफॉर्म बना करके जब हम मंदिर बनाते हैं तो मंदिर की ऊंचाई बढ़ जाती है, आप दूर से भी देख सकते हैं। बाढ़ वगैरह के समय में नदी के पानी वगैरह के भी चढ़ने की उसका डर नहीं होता। ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां बनी होती थी। मंदिरों के द्वार और स्तंभ सुसज्जित होते थे। तो गुप्त काल का जो सर्वोत्कृष्ट मंदिर झांसी जिले में देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, यह वैष्णव धर्म से संबंधित वास्तुकला का महत्वपूर्ण उदाहरण है। इस मंदिर के निर्माण में गुप्त कालीन स्थापत्य कला का विकसित रूप दिखाई देता है। मंदिर का शिखर रूप 12 मीटर ऊंचा है, जो संभवतः मंदिर एवं शिखर निर्माण का पहला उदाहरण है। इस मंदिर में चार मंडप हैं, जो चारों दिशाओं में हैं। गर्भगृह जहाँ मूर्तियां रहती हैं, उसके द्वार पर निर्मित स्तंभ मूर्तियों से अलंकृत हैं। अच्छा, तो बच्चों एक छोटा सा असाइनमेंट है, जो आपके इस चैप्टर की पढ़ाई को, हिस्ट्री की पढ़ाई को और भी इंटरेस्टिंग बना देगा। वो ये है कि आपको अपने गांव मोहल्ले के मंदिरों के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी है। आप क्या क्या जानकारी इकट्ठा करोगे? आपको ये जानकारी इकट्ठा करनी होगी कि वो मंदिर कब बनाया गया था, क्या उस मंदिर को बनाने में किसी विशेष शैली का प्रयोग किया गया है, वो किसी स्पेशल आर्किटेक्चर का है। अगर वो मंदिर 200-300 साल से पुराना है, तो आखिर वो कितना पुराना है, और उस समय में आपके प्रदेश में किस राजा का शासन था, है ना। और उस मंदिर में जो मूर्ति की स्थापना हुई है, या कब हुई है, वो किस भगवान की मूर्ति की स्थापना है, और क्या उस मंदिर में जिस मूर्ति की स्थापना है, जिस भगवान की आराधना होती है, कि क्या उस भगवान के भक्त आज भी आपके उस गांव में, आपके आसपास में हैं, जो उस पर्टिकुलर भगवान की ज्यादा पूजा करते हैं। ये भी आपको जानकारी इकट्ठा करनी है। आपको अच्छा लगेगा, आप इसे अपने विषय के जोड़ करके, इसके साथ जोड़ करके देखो। अच्छा, मैं एक चित्र देख रहा हूँ यहाँ पर, जिसमें कि सारनाथ का धमेख स्तूप है। एरन में बड़ा और विष्णु के मंदिर हैं। गुप्त काल में हिंदू मंदिरों के अतिरिक्त बौद्ध विहारों, चैत्यों और स्तूपों का निर्माण हुआ। तो बच्चों, अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं, रिलीजियस प्लेसेस की बात करते हैं, तो मंदिर के अलावा कौन कौन सी जगह हो सकती है? बौद्ध विहार हो सकते हैं, स्तूप हो सकते हैं, चैत्य हो सकते हैं। सारनाथ में जो धामेक स्तूप का निर्माण हुआ है, वो ईंटों से हुआ था, और इसका आधार अन्य स्तूपों की तरह में वर्गाकार ना होकर के गोलाकार है, स्फेरिकल है, तो स्पेशल हो गया ना ये। इस स्तूप की कुल ऊंचाई 128 फुट है। इसमें अन्य स्तूपों की तरह चबूतरा नहीं है।
प्लेटफॉर्म नहीं है, यह धरातल पर ही निर्मित है। स्तूप की दीवारों पर बौद्ध प्रतिमाएं रखने के लिए स्थान बने हुए हैं। यह कल्पना, आकार और सजावट में उत्कृष्ट कोटि का, बहुत ही हाई क्वालिटी का है ये। इस काल के गुहा मंदिरों का सर्वश्रेष्ठ नमूना उदयगिरी का गुहा मंदिर है। इसे चंद्रगुप्त द्वितीय का सेनापति वीर सेन ने बनवाया था। इसके भीतर एक गर्भगृह तथा उसके सामने में एक मंडप भी है। इसमें वराह अवतार की विशाल मूर्ति उत्कीर्ण है। वराह अवतार आप समझ रहे हो ना? अगर आप नहीं समझ रहे हो तो थोड़ा सा एक बार आपको भगवान के सारे अवतारों के बारे में जानने की कोशिश करनी चाहिए, भगवान विष्णु के अवतारों के बारे में। दीवारों पर अलंकरण और पच्चीकारी भी है यहाँ इस मूर्ति पर। बौद्ध गुहा मंदिरों में अजंता, बाघ और शीतन व असल की गुफाएं महत्वपूर्ण है। ये गुफाएं काफी लंबी हैं। पहले की गुफाओं के विपरीत इस काल की गुफाएं अलंकृत मिलती हैं। गुफा मंदिरों में बौद्ध धर्मावलंबी पूजा करने के लिए आया करते थे। अब हम लोग बात करते हैं मूर्तिकला। मूर्तिकला का मतलब है स्कल्पचर के बारे में। तो मूर्तिकला के क्षेत्र में चौथी से सातवीं सदी के बीच में मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा है। कुषाणकालीन मूर्तियों में जहां शरीर के सौंदर्य का निरूपण किया गया, वहीं गुप्त काल में मूर्तिकारों ने मोटे वस्त्र सज्जा का प्रदर्शन किया। मूर्तियों के सुसज्जित आभामंडल बनाए गए। देवी देवताओं को मानव का रूप दिया गया और इस काल की मूर्तिकला पर गांधार शैली की अपेक्षा मथुरा शैली का प्रभाव अधिक दिखता है। तो इस काल में बुद्ध की प्रतिमाओं के साथ साथ विष्णु की भी मूर्तियां बनाई गई हैं। विष्णु की यह प्रसिद्ध मूर्ति देवगढ़ के दशावतार मंदिर में है। जो एक चित्र यहाँ पर दिखाया जा रहा है, शेष साई भगवान विष्णु की मूर्ति, जिसमें कि भगवान विष्णु लेटे हुए हैं। और भगवान विष्णु की इसी शैली की मूर्तियों का कुछ अनुकरण गौतम बुद्ध की मूर्तियों के साथ में भी हुआ, जिसमें गौतम बुद्ध भी इसी तरीके से लेटे हुए दिखाई देते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे देवगढ़ के दशावतार मंदिर की। तो इस मूर्ति में भगवान विष्णु को शेषनाग की सैया पर आराम की मुद्रा में लेटा हुआ दिखाया गया है। वे कुंडल, मुकुट, माला, कुंडल, मुकुट, माला, हार, कंगन आदि से सुशोभित हैं। इनके एक ओर शिव और इंद्र की मूर्ति है और समीप में दो शस्त्रधारी पुरुष हैं। कार्तिकेय मयूर पर आसीन हैं, बैठे हुए हैं तथा नाभि से निकले कमल पर चार मुख वाले ब्रह्मा विराजमान हैं। लक्ष्मी पैर दबा रही हैं। काशी से गोवर्धन पर्वत को गेंद के समान उठाए श्री कृष्ण की मूर्तियां भी मिली हैं यहाँ पे। इस काल की बौद्ध मूर्तियों में सजीवता एवं मौलिकता दिखाई देती है। भगवान बुद्ध की मूर्तियों के उनके जो आभा मंडल अलंकृत और मुद्राओं में विविधता है, वो बहुत ही चर्चा करने वाली बात है, प्रशंसा की बातें हैं। इस काल की जो मथुरा संग्रहालय की बुद्ध मूर्ति और सुल्तानगंज में प्राप्त तांबे की मूर्ति है, जो 7.5 फीट ऊंची है, ये दोनों की दोनों मूर्तियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब बातें करते हैं चित्रकला के बारे में, पेंटिंग के बारे में, ड्राइंग के बारे में, कि 4th से 7th सेंचुरी के बीच में क्या क्या हुआ, क्या क्या ऐसा डेवलपमेंट हुआ, क्या कुछ खास तरह की चित्रकला की बातें हुई। तो इस काल की चित्रकला का सबसे अच्छा उदाहरण अजंता की गुफाओं में मिले भित्ति चित्र हैं। इसमें तीन तरह के चित्रों की प्रधानता है। प्रथम, गुफा की छत और कोने को सजाने के लिए प्राकृतिक सौंदर्य, जैसे कि वृक्ष, पवित्र नदी, पर्वत, वृक्ष हैं, पर्वत है, नदी हैं, झरने हैं, पशु पक्षी तथा रिक्त स्थानों को भरने के लिए अप्सराओं, गंधर्वों एवं यज्ञों का चित्रण किया गया है। द्वितीय, बुद्ध एवं बोधिसत्व के चित्र तृतीय जातक कथाओं में वर्णित हैं। तो ये तीन चीजें यहाँ पर खास तरह की बातें हैं। क्या क्या है? ये पहला तो है भित्ति चित्र जो कि गुफाओं में मिले हैं, दूसरा है बुद्ध और बोधिसत्व के चित्र, और तृतीय है जातक कथाओं में वर्णित दृश्य। अजंता के चित्रों में रंगों का बड़ा ही सुंदर मिश्रण देखने को मिलता है। इन चित्रों में अपने बालक के साथ में अंधे तपस्वी, माता पिता, मरणासन्न राजकुमारी
ज्ञान प्राप्ति के बाद यशोधरा और राहुल का मिलन, ये चीजें दिखाई गई हैं। अजंता की चित्रकारी में जहां धार्मिक दृश्यों की प्रधानता है, वहीं बाघ की गुफाओं में सांस्कृतिक विषयों का चित्रण है। इन चित्रों से उस समय की वेशभूषा, केश सज्जा एवं अलंकरण सामग्री की जानकारी मिलती है। उसमें ये जानकारी मिलती है ना कि उस समय के लोग क्या ड्रेस पहनते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, उनकी हेयर स्टाइल कैसी हुआ करती थी, और अगर वो अपने को सजा धजा करके सुंदर स्मार्ट बना करके रखते थे तो उसके लिए वो क्या चीजें किया करते थे, है ना। तो यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण चित्र संगीत एवं नृत्य से संबंधित है। भगवान बुद्ध से संबंधित भी कुछ चित्र है, लेकिन अधिकांश चित्र धार्मिक विषयों से हट करके, जैसे कि नृत्य गान, राजकीय जुलूस, हाथी दौड़, शोकाकुल युवती आदि का है। इन सभी चित्रों को राजकीय संरक्षण में बनाया गया, मतलब किसी उस कलाकार ने बनाया है जिसको किसी ने किसी राजा की तरफ से सारी सुख सुविधाएं या अधिकार सम्मान दिए गए थे। जिन शिल्पकारों के द्वारा ये चित्र बनाए गए उनके बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती है। इन्हें बनाने में काफी धन खर्च किए गए होंगे, और इन चित्रों के अतिरिक्त सिक्कों पर भी चित्रकारी की गई है, जिन्हें हम लोगों ने पीछे के चैप्टर में पढ़ाया था। इन सिक्कों में समुद्रगुप्त वीणा वादक एवं व्याघ्र पराक्रमांक के रूप में दिखाया गया है। उस समय के मंदिरों के दरवाजे पर जो स्तंभ हैं, उन पर भी देवी देवताओं के चित्रों को बड़े ही सजीव ढंग से उकेरा गया है। अब हम लोग बात करते हैं चौथी से सातवीं शताब्दी के बीच में साइंस और टेक्नोलॉजी में क्या क्या हुआ उसके बारे में, ठीक है। तो चौथी से सातवीं सदी के बीच में विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में विशेष प्रगति हुई। उस समय आर्यभट्ट, वराह मिहिर, भास्कर प्रथम और ब्रह्मगुप्त जैसे गणितज्ञ और ज्योतिष विद्या के विद्वान हुए। आर्यभट्ट इस काल के महान वैज्ञानिक थे। उन्होंने शून्य का संख्या के रूप में सबसे पहले प्रयोग किया, तो ये बहुत ही स्पेशल बात है। इन्होंने यह भी बताया कि पृथ्वी गोल है और यह अपनी धुरी पर, अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है। इसका छाया चंद्रमा पर जब पड़ता है तो ग्रहण लगता है। इनकी रचना आर्यभट्टीय है। इनकी कर्म भूमि बिहार में पटना के नजदीक तारेगना मसौढ़ी नामक स्थान थी। तो आयुर्वेद के विद्वान और चिकित्सक धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे, और इसी काल में मनुष्यों के साथ साथ जानवरों की भी चिकित्सा होती थी। नागार्जुन रसायन शास्त्र और धातु विज्ञान के जानकार थे। इन्होंने सोना, चांदी, तांबा आदि के प्रयोग से रोगों का इलाज कैसे हो सकता है इसके बारे में बताया है। और इसी काल में धातु संबंधी ज्ञान की भी अच्छी प्रगति हुई है मेटलर्जरी के फील्ड में, और इस तकनीक के विकास में शिल्प समुदाय का काफ़ी प्रेजवर्दी कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। अब जैसा कि हम लोगों ने 12 चैप्टर में देखा था कि धातु कला के मुख्य अवशेष कुतुब मीनार परिसर में मेहरौली का लोह स्तंभ है, इसमें एक ऐसी तकनीक का प्रयोग हुआ है कि आज तक यह जंग से सुरक्षित लगा है। अब इसकी जानकारी हमें नहीं है कि उस समय लोगों ने धातु विज्ञान को इतना विकसित कैसे कर लिया, लेकिन कितनी इंटरेस्टिंग बात है और कितना ही ये शोध का विषय, क्यूरियोसिटी की बात है कि उस समय में भी इन लोगों की मेटलर्जरी धातु विज्ञान इतनी विकसित थी कि उन्होंने एक ऐसा लौह स्तंभ बनाया जो इतने 100 साल बीत जाने के बाद में भी उसमें जंग नहीं लगा है। भागलपुर जिले बिहार के सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की 7.5 फीट की एक मूर्ति है जो धातु विज्ञान का उत्तम नमूना है, और यह लगभग 1 टन की मूर्ति है। तो धातु विज्ञान की प्रगति सिक्कों और मोहरों के निर्माण में भी देखने को मिलती है, और यह इस काल के स्वर्ण सिक्कों में मिलावट की सुंदर तकनीक का प्रयोग किया गया था। तत्कालीन धातु कला का ज्ञान हमें उस समय के आभूषणों में भी मिलते हैं। तो बच्चों, इसके साथ ही आपका यह चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है, जिसका नाम था संस्कृति और विज्ञान, और यह है चैप्टर नंबर 13 बिहार बोर्ड के 6th क्लास के बच्चों के लिए। वैसे तो ये जो चीज़ें हैं ये क्लास 6 के यूपी बोर्ड के बच्चे भी पढ़ सकते हैं, DAV के भी बच्चे पढ़ सकते हैं, और वो इस लेक्चर को NCERT CBSE का सिलेबस फॉलो करने वाले बच्चों को भी पढ़ाया जा सकता है, उन्हें भी जानना चाहिए इसके बारे में। तो ठीक है बच्चों,
जल्दी ही मैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर सेशन के एक और लेक्चर के रूप में मिलूंगा, और आप मेरे चैनल का नाम जरूर याद करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जिसका नाम है न्यू एज कोचिंग। तो जल्दी ही हम लोग फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए, शुभ दिन हो आप।